ऐसे तो बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पद और मौका दोनों मिलता है, परंतु उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो पद का सही इस्तेमाल कर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत रखते हैं। अक्सर हमारे देश में ईमानदार अधिकारी को उनके काम के तरीकों के कारण विभागीय एक्शन का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक कहानी हम पहले भी सुन चुके हैं, हरियाणा की आईएएस अफसर अशोक खेमका की, जिन्हें अपने काम करने के तरीके को लेकर बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज हम एक ऐसे ही आईपीएस अफसर की बात करेंगे जिससे हर 6 महीने पर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के ऑर्डर मिल जाते हैं। जी हां, आपको बता दें कि रूपा कर्नाटक कैडर के 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी है। वह प्रदेश की पहली महिला होम सेक्रेटरी है। रूपा का कुछ ही दिन पहले राज्य के गृह विभाग से हैंडलूम एम्पोरियम में ट्रांसफ़र किया गया है, क्योंकि उन्होंने एक बड़े अफसर के कथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया। रूपा बताती है कि यह उनके लिए नया नहीं है, इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हो चुका है। वह जब भी किसी के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे जेल में बंद AIDMK के नेता शशिकला के खिलाफ हो, या साल 2003-2004 के दौरान MP की तत्कालीन CM उमा भारती को गिरफ्तार करने का हो, बहुत बार उनके काम के खिलाफ सवाल भी उठाए गए हैं। बता दें आपको कि रूपा बेंगलुरु के सेफ सिटी प्रोजेक्ट का काम देख रही थी, जिसमें उन्होंने एक वरिष्ठ IPS अफसर हेमंत निम्बालकर पर टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से उनका वहां से भी ट्रांसफ़र हो गया। अब वे राज्य के हैंडलूम एम्पोरियम का कामकाज देख रही है। रूपा का UPSC परीक्षा में ऑल इंडिया 43rd रैंक आया था, जिसके बाद उन्हें IAS पद पर नियुक्ति मिली, पर वह IPS बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने IAS छोड़ IPS चुना, जिसमें रूपा का 20 साल के सर्विस में 40 बार ट्रांसफ़र हो चुका है। रूपा पुलिस सर्विसेज के अलावा एक बेहतरीन ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी है तथा भारतीय संगीत की ट्रेनिंग भी ली है। सिर्फ इतना ही नहीं, बयालताड़ा भीम अन्ना नामक कन्नड़ फिल्म में भी वो काम कर चुकी है।